आइए ना आप लोग। अरे लुलानिया देखिए नाम पाम ये है। We are heading toward बदोंगलिंग और बदोंगलिंग की ओर जा रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये है ओला कैंप बोलता है ये जगह, ओला कैंप, खोला कैंप, यस ओला कैंप, ये खोला कैंप कुछ भी हो ओला कैंप बोलते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरे साइड में जो ड्राइविंग कर रहा है तमिल बगन सर और एवरेस्टर, इसी कम्युनिटी में पर्स एवरेस्टर है और ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और पीछे बैठा हुआ है मैम और एक ये जो दो मेम है और एक माउंटेनर जो यंगेस्ट माउंटेनर ये करादारी डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट माउंटेनर है और सेकंड माउंटेनर है इसी कम्युनिटी का। स्टोन देखने ताई बेड़ा स्टोन, ये देख स्टोन यही होना है। ओ उधर में फुटप्रिंट ना, बड़ा मिथुन का, चौथा मिथुन का सब। यहाँ पे एक जो मिथुन का पुटमार्ग है और यहाँ पे बहुत सारा मिथुन का पुटमार्ग है। ये माना जाता है मिथुन का पुटमार्ग है। ये स्थानीय निवासी का कहना है ताईबेडा का जो मिथुन यहाँ पे गैदर हुआ था। यहाँ पे पूरा रात को पूरा गैदर करके यहाँ से फिर गंगा लेक की ओर तरफ गया है बोल के। ये ताईबेडा का मिथुन का पुटमार्ग माना जाता है। ये पूरा पूरा तो पत्थर तो पूरा ख़त्म हो चुका है ये जो पूरा सेडिमेंटेशन का कारण से, लेकिन कुछ अभी भी बचा है मिथुन का। ये है पुटमार्ग जिसे लगता है, लेकिन एग्जैक्ट में तो पता नहीं है, लेकिन स्थानीय निवासी लोग का कहना ऐसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसको ऊपर में बाकी इधर पीछे आओ, जितना ऊपर आ सकता आइए। एडीसी साहब आप आगे आइए। आइए ना आप लोग। अरे लुलानिया देखिए नाम पाम ये है। ओ नाम पाम ये था कोकंग तो कोकंग 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 अतु जकाल है कांगा कांगा मब जब तुम मुंडी रेडी से माकूल गए तब वो तो नहीं कम पिचक हो और नहीं कम लेको मिस लेको आ लेको मिस आ तको तको मिसा मिसा ओ तो तले ओ पता तले कार कांगम परया यहां से हमारा ओ मेरा को देखो ए ओ मेरा चलो जोन साहब कुछ बोलना है। बहुत बार ये हमारा ऑनरेबल सीएम सर लोकल एमएलए तो के साहब हम लोग को ये ट्रैकिंग जो एक्सपेडिशन है एडीसी सगाली ऑनरेबल एमपी नाबम रेबिया साहब यहाँ से हम लोग शुरू करेगा एडीसी सगाली से। और एडीसी सगाली है यहाँ झंडा को थोड़ा उठा दो और बेरस ये ट्रैकर्स लोग आया है। चलो हो गया यहाँ से हम लोग जाएगा ब्रेकफास्ट करेगा वहाँ से ट्रैकिंग शुरू होगा। आगे भी देना पड़ेगा उसको प्लेट को आगे में देखो पानी उसकी है ना। तो यहाँ से शुरुआत कहानी है। यहाँ से शुरुआत होके आपका ये गेकर सिंह गंगा लेक, गेकर सिंह के नॉर्थ गंगा लेक, गेकर सिंह ओनली लोकल नेम। उनका इतना मिथुन ताई बिडा का ये था। यहाँ मैंने एक गरीब आदमी एक मिथुन से पूरा मैंने जो आप जो हेमलिन फाइट पेपर ऑफ हेमलिन तो पढ़े होंगे स्कूल में, सेम कहानी है ऑलमोस्ट सेम। तो वो जब वो जो लास्ट पर्स मिथुन को सेक्रीफाइस करने के लिए पूजा करने के लिए बैठा, उसी रात को पूरा सुबह देखा कि मिथुन माँ चिल्ला चिल्ला के पूरा अपना मिथुन जितने हैं पूरा यहाँ इसी जगह पे फुल हो गया। तो ताई बिरा सरप्राइज हुआ। तो पूरा जब मिथुन जो बांधा हुआ मिथुन जो माँ वो चलने लगी, पीछे पीछे जितना मिथुन है पूरा पीछे पीछे चले, बांधने का कोशिश किया, किसी को पकड़ नहीं सका। तो ये जाके पूरा और गेकर सिंह में वो रास्ता पूरा अभी भी है। गेकर सिंह को गंगा लेक में पूरा दूर ताई बिरा लास्ट तक चेस किया। आप तो गंगा लेक लेकिन किसी मिथुन एक भी मिथुन पक नहीं सका, बांधने से भी ऑटोमेटिकली खुल के चला जाता है। तो ये कहानी अभी आप आगे जाएंगे, यहाँ ग्राहम पॉइंट है, ये गेराम गेराम बोलता है यहाँ के पब्लिक लोग, गेराम बस्ती, गेराम नहीं ग्राहम है। ब्रिटिश एक एक्सपेडिशन जो एक्सपेडिशनर एक गोर्ज है वहाँ गिरा था, लेकिन वो बच गया। गुरुम का घर ये था, घास था, ले जो म्यूल जिस म्यूल से जा रहा था वो म्यूल नीचे गिरा, तो उनको बचा के पब्लिक लोग यहाँ ये गरम बस्ती में कुछ समय के लिए उन्होंने रखा। यहाँ साचा से ये करके उनको अपना जगह भेज दिया सेफ। उसको बोलते हैं दैट इज ए ग्राहम, द नेम वाज ग्राहम ओनली। उसको पब्लिक लोग तो ग्राहम नाम तो नहीं जानते, गरम गरम बोल दिया लाल पेगा गरम ग्राहम है। और यहाँ पे गरम बस्ती में हम लोग को बहुत अच्छे से स्वागत किया। ये पूरा फल फ्रूट, ये जो ऑरेंज बनाना वगैरह पूरा रखा हुआ है, पानी चाय पानी पूरा ब्रेकफास्ट इधर में तैयार किया है। ये गरम बस्ती का लोग हम लोग को इधर में जो वेलकम कर रहा है। और ये जो पूट मार्ग का जो निशान है, यहाँ पे जो मिथुन का पूट मार्ग है इसी बस्ती पे, ये बस्ती गरम बस्ती और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का अंदर आता है और सगाली कांस्टिट्यूशन डिवीजन का सब डिवीज़न के अंदर आता है शायद। यहाँ पे बहुत सारा है, हम तो कह नहीं सकते। अर्ली मॉर्निंग को मेरा कहने का आदत नहीं है। यहाँ पे हमारा फॉर्मर सीएम नाबम टुकी भी आया हुआ है और इनोग्रेशन के लिए, और ऑनरेबल एमपी राज्यसभा एमपी जो नाबम रेबिया सर भी आया हुआ है। वो हम मेरे साथ ट्रैकिंग करेगा, सर लीड कर रहा है और अभी भी बहुत एक्टिव है सर। और यहाँ पे देख सकते बहुत सारा, और मेरा जान पहचान वाला, हमको जान पहचान वाला भी बहुत लोग मिल गया जो मेरे एफबी पेज में देखता है। यहाँ पे देख सकते छोटा सा हाथ बना कर रखा है। ये है गरम बस्ती का आईबी गेस्ट हाउस, और आईबी बोलता है इंस्पेक्शन बंगलो। और आप देख सकते हैं इंस्पेक्शन बंगलो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है। और 1986 चल अंदर जाकर देखते। अभी ब्रेकफास्ट लेकर खाते, हम लोग को ब्रेकफास्ट खाने के लिए बुलाया है यहाँ पे। ये क्या बस्ती में, कील बस्ती में, ये कील बस्ती है। यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होता है। यहाँ पे जो गांव वाला लोग स्थानीय निवासी लोग हम लोग के लिए पूरा खाना पीना तैयार करके रखा है, और गाँव वाला बहुत अच्छे है। ऐसे वो लोग हम लोग के लिए इतना मेहनत करके रखा है, इतना वो लोग बड़ी मेहनत किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे देख सकते सब खाना खा रहे हैं और हम भी खाना लेके खाते हैं। सब सर्व कर रहे हैं, पूरा चिकन है और लोकल खाना बहुत अच्छा। और हम लोग पैक लंच भी ले जाएगा। और ये टिपिकल निशी होम है। निशी होम इस तरह होता है, हम जैसे आपको टोपो विलेज में भी दिखाया था और इस कमिंग में भी दिखाया था, कुरुम कुंबे में। और अभी बाहर चलते हैं, बाहर जाके चल जाने के लिए रेडी करते। हम तो खाना खा दिया, यहाँ पे मैम लोग भी बैठा हुआ है। और अभी जाते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और होप आप लोग अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।